तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हिंदी फन जोन। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेरेना के बारे में। जी हाँ, आज हम सेरेना के बारे में बात करने वाले हैं। सेरेना के तीन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनमें से ऑलरेडी मैंने दो टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैं बोल कर रखा था मैंने कि भाई मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भाई 1 महीने से बनाया नहीं। जी हाँ, वही वीडियो वाई पोकर्स चेंज रैपिडली, उस वीडियो पर मैंने बोला था कि भाई मैं सेरेना का जो टॉपिक है ये बहुत हटके टॉपिक है, तो भाई इसका एक अलग सा वीडियो बनेगा। तो भाई उसका वीडियो ये है। और यहाँ पर मतलब मैं बोलूँगा कि एनिमे पर क्या दिखाया गया, क्या स्टोरी थी एनिमे पर, और हमारे एनिमे सेंटर की क्या फायदा हुआ इससे, और हम आप बोलने वा आप मैं बोलने वाला हूँ कि क्या सरेना सीजन 24 पर बैक कर सकता है। तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हाँ, एनीमे देखकर हमें क्या समझ में आता है, एनीमे देखकर हमें क्या मिलता है, ऐश ने सॉरी सरेना ने ऐश को क्यों छोड़ा। देखिए, इसके पीछे हाथ हाथ पैर पूरा शरीर ऐश सरेना के मॉम का है। सरेना के मॉम ने सरेना को बोला कि भाई तू चला चला जा हो रिलीजियन पर। अब भाई सरेना ने बोला कि भाई मुझे ऐश के साथ ट्रेवल करना है, लेकिन उनके मॉम का एक मूड था कि भाई उसे होएन रीजन पर भेज दे। अब होएन रीजन तो पीछे चला, पीछे का सीजन है, आपको पता होगा सीजन 6 टू 8 हमने होएन रीजन को ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो अब होएन रीजन पर फिर से लौटने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए वो लोग होएन रीजन को कवर नहीं करने वाले थे, ये तो जाहिर सी बात है। इसलिए सरेना होएन रीजन चली गई और ऐश निकल गया हमारा ऐश। तो ऐसे मेनली कट हो गया। जी हाँ, कोई ऐसे रोमांटिक सीन, एक ही रोमांटिक सीन हुआ था उन दोनों का, लिप टू लिप किस, बहुत अच्छी सीन थी। जो भी हो, तो भाई इसके पीछे एनिमे सेंटर का कारण क्या था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो हाँ दोस्तों, इसमें एनिमे सेंटर का फायदा क्या है, मतलब अगर आप एक इतना पॉपुलर कैरेक्टर को हटा रहे हो तो आपका तो कोई फायदा तो रहना चाहिए, नहीं तो आप इतने पॉपुलर कैरेक्टर को हटाओगे आपकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज करने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो कोई कारण के बिना तो इतना पॉपुलर कैरेक्टर को कोई भी एनिमे सेंटर नहीं हटाना चाहेगा। तो भाई इसे हटाया क्यों गया, देखिए सबसे पहली बात, ये कॉज आपको ना एनिमे देख कर मिलती है, मुझे अभी नहीं मिला। तो भाई मैं सोच बहुत सोचा मैंने, लेकिन एक दिन मुझे इसका एक कॉज मिल गया, मतलब एक ही कॉज मुझे मिला। वो कॉज ना एनीमे देखते देखते ना पोकेमॉन देखते देखते आप विश्वास नहीं करोगे, वो कॉज मैंने मुझे मिल गया जी टीवी देखते देखते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी सोच रहे होंगे कि भाई जी टीवी देखते देखते इस भाई को क्या कॉज मिल गया। देखिए, जी टीवी पर आपको शायद पता होगा कि एक प्रोग्राम आता है सारे गामा पा टाइप। हाँ, तो वो प्रोग्राम पर मैंने देखा कि भाई एक बंदा का एड दिखाया जा रहा है, मतलब ब्रेक के बाद ये बंदा गाएगा, उसका गाने का थोड़ा बहुत एक हिस्सा दिखाते हैं। और उसके बाद भाई वो बंदा कब गाया आपको पता है, मतलब पहले के बाद वाले से दिखा रहे हैं कि भाई इसके बाद ये बंदा गाएगा, और वो बंदा जाकर गाता है सबसे आखिर में। तो भाई ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए आपको उस बंदे वो बंदा बहुत पॉपुलर है, उस बंदे को अगर आप लेट में दिखाओगे तो भाई पूरा आपका जो एपिसोड है तो वो पूरा लोग देखेंगे। तो भाई यही टॉपिक पोकेमोन के ऊपर भी अगर आप लगा के देखें तो देखिए, पोकेमोन पर सेरेना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो सेरेना को जब आप रिटर्न कराने सेरेना को जस्ट वो एक ऐड के हिसाब से देखिए सेरेना की लिप टू लिप किसको, तो भाई वो आपको दिखा रहा है एक छोटा सा ट्रेलर, एक छोटा सा एडवर्टाइज जो आपको दिखा दिया गया है। इससे होता यह है कि आपके आपको पोकेमोन के ऊपर पहले से इंटरेस्ट था और ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। अब भाई पोकेमोन के ऊपर जब आपका इंटरेस्ट पड़ गया है तो भाई आप पोकेमोन को उसके बाद वाले सीजन्स पर देखोगे। तो भाई इसके ऊपर ही मैं मानता हूँ कि भाई यही कॉज हो सकता है कि भाई एनिमे को पॉपुलरिटी, इससे होता यह है कि भाई एनिमे से टीआरपी ज़्यादा मिलेगी। अगर एनिमे से टीआरपी ज़्यादा मिलेगी तो भाई एपिसोड से पैसे ज़्यादा आएंगे, एपिसोड से पैसे अगर ज़्यादा है तो हमारे एनिमे का एपिसोड चलेगा। तो भाई पोकेमोन का एक छोटा सा
क्या बोलो ट्रिक है जिससे वो अपने एनिमी की पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है इसीलिए ही सरेना थोड़ा बहुत लेट कर रही है रिटर्निंग में, नहीं तो सरेना को अब तक तो रिटर्न आ जाना चाहिए था। लेकिन इस यही कॉज है कि भाई सरेना थोड़ा बहुत लेट कर रही है। तो भाई देख लेते सरेना क्या कभी लौटने वाली है। तो चलिए ओके, तो सरेना क्या कभी लौट के आएगी। देखिए इसके ऊपर बात मैं बोलूँ कि भाई 100% छोड़ो, 1,000,000% गारंटी देकर मैं बोल सकता हूँ कि सरेना लौटेगी ही लौटेगी। देखिए ऐसे में क्यों बोलो, पहली बात हर एक पोकेगर्ल लौटा है। जी हाँ, हर एक पोकेगर्ल लौटा है उसके बाद वाले सीजन पर, एक सीजन छोड़कर, यानी कि जैसे मिस्टी चली गई सीजन 5 पर, नहीं लौटी सीजन 6 पर, लौटी सीजन 7 पर ही था। तो सीजन 7 पर वो बैक करी, तो वैसे ही हमारे जो बाकी के पोकेगर्ल से वो लौटे। हालांकि आयरिस नहीं लौटा, क्योंकि आयरिस को तो भाई ये लोग पोकी ट्यूबर्स छोड़ो, कोई भी पोकी ट्यूबर मतलब किसी भी देश के पोकी ट्यूबर्स भाई मानने में के लिए राजी है ही नहीं कि भाई आयरिस भाई पोकेगर्ल है। हम यूनिक पीस है, हम यूनिक एक आदमी है, हम मानते हैं। तो भाई पोकेमोन जेनरेशन 7 का एक कैरेक्टर, जैसे सेवन का ही कैरेक्टर था पोकेमोन एक्स वाई सीजन से, हमारा जनरेशन 7 था। तो पोकेमोन जनरेशन 7 का एक कैरेक्टर सरेना जनरेशन 8 पर नहीं लौटा, तो क्या हुआ? जनरेशन 8 पर लौटा मिस्टी। तो जनरेशन 8 पर मिस्टी लौटा, तो जनरेशन 9 पर एब्सोल्यूटली, जी हाँ एब्सोल्यूटली लौटेगी सरेना। गारंटी 100% वारंटी गारंटी, जो चाहिए वो ले लो। और भाई मैं बहुत कम बार हुआ है कि मैंने जो बोला है वो हुआ नहीं है, तो ये मैं आप परमानेंटली ले सकते हो कि ये भी होने ही वाला है। क्योंकि मैं एनालाइज करके बोल रहा हूँ कि भाई पिछले पोकेगर्ल्स लौटे हैं तो सरेना के ऊपर ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। और मैंने जैसा बोला कि भाई एड दिखा दिया है आपको, ट्रेलर आपको दिखा दिया है, अब मूवी तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना। मूवी तो कंटिन्यू होगा ही, मतलब मूवी चलेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा, ये मूवी ज़रूर आएगा। मतलब एक एक ना एक एपिसोड पर सरेना ज़रूर लौटेगी। और ये पोकेमोन जर्नी सीजन 24 जो अपकमिंग सीजन है, अभी एनिमेशन मेकिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, अगर मुझे न्यूज़ मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और हमें जो बाकी जो हमारा आज का टॉपिक तो यहाँ पर ही ख़त्म होता है। सीजन 24 पर अगर नहीं लौटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीजन 25 है, आप चिंता ना करें, पोकेमोन पर सरेना जरूर लौटेगी। ओके, तो हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। और मैं आप बता दूं कि भाई आज का आपको शायद लगा होगा कि भाई वॉइस कैसा कैसा है, क्या देखिए मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब है और मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे दोस्त बहुत खांसी आ रही है बोलने के वक्त, गला सूख रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी वीडियो तो आना ही था तो मैंने वीडियो बना दिया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, टाटा।